हेलो माय डियर टॉरस। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, साथ साथ वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उनका ट्रू इंटेंशन क्या है। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो उस पर्सन को सोचिए, पॉजिटिव हो जाइए, उनके फेस को इमेजिन कीजिए, फील कीजिए उस पर्सन को। और अब यहाँ पे आपकी रीडिंग होने वाली है शुरू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी अ ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। लाइक एंड सब्सक्राइब करके सबसे पहले अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपका डिस्काउंट ऑफर भी ऑन है। तो किसी भी टॉपिक पर अगर रीडिंग आप लेंगे तो डिस्काउंट ऑफर को तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी का जनरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपकी सिचुएशन में मुझे क्लियरली यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है, और ये नहीं कहा जा रहा है कि ये थर्ड पार्टी अभी है, ये थर्ड पार्टी था, लेकिन था ज़रूर। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बींग टुगेदर। कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि कोई लड़की ही हो, कोई लड़का ही हो, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आप फीमेल दिख रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि कोई फीमेल ही आपके पार्टनर के लाइफ में आ गई होंगी, लेकिन सिर्फ फीमेल हो ऐसा नहीं है। मे बी हो सकता है कि कोई फीमेल हो, कोई फैमिली का सिचुएशन हो, कुछ ना कुछ तो था आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपका भी दिल टूटा है और उनका भी दिल टूटा है। आप दोनों के रास्ते में, आप दोनों के प्यार में, आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई आया जिसके वजह से आप दोनों अलग हुए। नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, जो भी सिचुएशन रहा, लड़ाई झगड़े हुए, सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था एक इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में, वो सब कुछ हुआ। तो अगर अभी आप अपने पर्सन के सिचुएशन को जानना चाहते हैं, या जो जो उन्होंने किया वो था थर्ड पार्टी क्रिएट करना, ठीक है। इनको पता है कि आप एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान हो, इनके नज़र में आप काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, लेकिन फिर भी आपके दिल को इन्होंने तोड़ा, इस बात का एहसास है इनको। और यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद भी अब बहुत ही ज़्यादा बिखर चुके हैं, शैटर्ड हो चुके हैं, जस्ट विदाउट यू, आपके बिना। ब्रोकन की एनर्जी है, मतलब अगर अपने पर्सन की करंट फीलिंग को जानना चाहोगे तो वो कहना चाहते हैं, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, मैंने थर्ड पार्टी क्रिएट किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हो या शर्मिंदा फील कर रही हूँ, ठीक है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको सच में बहुत ज़्यादा तोड़ के रखे, इनके डिसऑनेस्टी ने आपको जैसे कि तार तार कर दिया, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे इन्होंने वादा बहुत कुछ किया और वादा का जो भी प्रोमिसज किए, जस्ट उल्टा उसका ऑपोजिट आपके साथ किए हैं सब कुछ। तो यहाँ पर अभी क्या इसको एहसास है या नहीं, तो ये सारी जो फीलिंग मैं बता रही हूँ ना, ये खुद आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि मुझे जो मैंने सिचुएशन क्रिएट किया, मैं तुमसे अलग हो गया, हो गई, मैंने तुम्हारे साथ डिसऑनेस्टी की, हाँ मैं ये बात मानता हूँ या फिर ये बात मैं मानती हूँ, इसके लिए अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। जब आपको अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी, सॉरी कभी कभी टंग स्लिप करते हैं क्योंकि मैं कंटिन्यूसली रीडिंग बनाती हूँ इसलिए। तो अभी आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें उस टाइम भी इग्नोर कर दिया, इसके लिए भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। आई फेल टू गिव वॉट यू नीड, तुम्हें मेरे प्यार की ज़रूरत थी, तुम्हें मेरे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, तुम्हें तो फाइनेंशली भी नहीं ज़रूरत थी मेरी, तुम्हें सिर्फ फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली मेरी ज़रूरत थी। उस टाइम भी मैंने तुम्हारी सपोर्ट नहीं किया, मैं तो फेल हो चुका हूँ, मैं तो पास भी नहीं हो सकता अब, मैं तो बिल्कुल हार चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन फिर भी, मैं बता देना चाहती हूँ, चेजर, ये पर्सन ये सब सोचते हुए, फील करते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू चेज यू एनी मोर, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, ये चेजिंग गेम जो हमारे बीच में चल रहा है ना, मुझे पता है कि तुम भी मुझे देख रहे हो, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि ये चेजिंग गेम बंद करते हैं और क्यों ना हम फिर से एक दूसरे को चांस देकर एक नई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। देखिए, ये गिल्टी फील कर रहे हैं जो इन्होंने गलत किया है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, आई मेड मिस्टेक्स व्हेन आई चूज समवन एल्स, ये मेरी गलती रही कि मैंने किसी और को चूज़ किया। और लास्ट कहना चाहते हैं, आई हैव एडजस्ट इन माई लाइफ विदाउट यू, मैंने बहुत कोशिश की है अपने लाइफ में एडजस्ट करने की और अभी मैं एडजस्ट हो चुका हूँ, लेकिन फिर एडजस्ट होने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो गलती की, क्या मुझे उसके लिए माफ़ी मिल गया है? जिसके साथ मैंने बुरा किया उसने तो मुझे माफ़ भी नहीं किया,
तो आपके पर्सन एडजस्ट होके भी मतलब आपके बिना नहीं रह पा रहे, ये आपको कॉल मैसेजेस जरूर करेंगे, ठीक है, और गिल्टी फील कर रहे हैं और इसीलिए कहना चाहते हैं आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, मैं तुम्हारे बारे में ही रात दिन सोचा करता हूँ या सोचा करती हूँ। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा ज़रूर बुकिंग कीजिएगा, सीट्स लिमिटेड है और ये क्रिसमस ऑफर है, बुकिंग कर लीजिए। ओके, जीमेल अनन्स्ट आईडी के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में वो कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल अनन्स्ट आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा। बाय, टेक केयर।